यूटा में हम अपने नए अपार्टमेंट की तरफ आ गए, जो कि एक्सटीरियरली बहुत आउटस्टैंडिंग है जी। ये इस पूरे मोहल्ले का यही हाल है। ये हमारी गाड़ी आके रुक चुकी है और मोहल्ला चेक करें जी। ये बाहर का व्यू चेक करें जी। ओए होए होए, बहुत खूबसूरत व्यू। ये है जी 17A1 हमारा अपार्टमेंट। तो अंदर जाते हैं जी। अब हम जाते हैं टॉप पे इनके घर के लिविंग बेडरूम्स देखते हैं जी। लाइट्स हाँ जी। ये वार्डरोब्स आगे नहीं जी, ये लॉन्ड्री है। आप साथ ही इस्त्री करने के लिए भी है रैक, इस्त्री भी मुदी हुई ने। इसको बंद कर दो। गुड ऑसम। ये बेडरूम, इसके साथ चेंजिंग रूम, पंखा लगा हुआ है, वो बाथरूम, वाओ। ये इसके बाद ये दूसरा बेडरूम, ये इसका वॉशरूम, यहाँ पे कमोड, ये शॉवर वाला, यहाँ पे टॉवल्स हैं, ये चेंजिंग वार्डरोब और ये वाला। अच्छा एक और चीज, हर बेडरूम में अपना, यहाँ पे हर बेडरूम में अपना LED भी लगा हुआ है। ये देखें, ये दूसरे कमरे का, यहाँ पे भी दूसरे कमरे। अब हम लिविंग एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनका लिविंग रूम, पानी की बोतलें दी हुई हैं साथ। ये लिविंग रूम जिसको मैं ही ऑक्यूपाई करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे भी एक बड़ा सा LED लगा हुआ है। ये किचन, किचन के साथ यहाँ पे एक छोटा वॉशरूम, ये वॉशरूम हो गया। यहाँ पे इस जगह पे इनका तमाम गीजर और वो सारी चीजें। तो ये डाइनिंग रूम, ये अगेन फ्रिज, फ्रिज में इन्होंने हमारे लिए स्प्रिंग वाटर पानी भी जमा के रखा हुआ है। तो चूल्हा, टोस्टर वगैरह, ये हो गया इनका वॉश बेसिन। फिर यहाँ से निकले, ये बाहर सिटिंग रूम, एंड दैट्स इट जी। ये दूसरा घर।